छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपाल पट्टनम के हालत बद से बदतर हो चुकी है। लाइट के गुल होने के बाद अस्पताल में उपचार मोबाइल टॉर्च के जरिए किया जा रहा है। वहीं लेबर रूम में स्टाफ नर्स मोबाइल के जरिए प्रसव करवा रही हैं। जनरेटर 2 साल से खराब है और सौर पैनल तो लगा है लेकिन वो ज्यादातर खराब रहता है। अब स्वास्थ्य अमला का कहना है कि नए जनरेटर आए लेकिन अभी चालू नहीं है। RDT हो रहा है, मलेरिया RDT, किट टेस्ट हो रहा है, स्लाइड टेस्ट हो रहा है, डेंगू सीरोलॉजी हो रहा है और CBC हो रहा है, HB हो रहा है और बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं हो रहा है, LFT RFT नहीं हो रहा है, टाइफाइड नहीं हो रहा है, CBC हो रहा है, हो रहा है क्या वाला है? किट अवेलेबल नहीं है। तो एक तो सेंड्रा वाला CBC मशीन खराब है, इंस्टॉलेशन के लिए अभी तक कुछ किसी को नहीं भेजे हैं अभी तक। तो वो तो CMO सर को भी बताया हूँ, अभी भेजेंगे बोले हैं। इन्वर्टर भी ला के रखे हैं, वायरिंग की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उड़ गया है वो। तो ये लापरवाही, अब वो एक बार CMO सर से भी पूछ लीजिए। देखिए अभी एक CBC मशीन खराब होने की जो सूचना वो उसमें किसी न्यूज़पेपर में आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपालपट्टनम में 2 CBC मशीन है, उसमें से एक वर्किंग कंडीशन में है और दूसरा जो CBC मशीन है ये PHC सेंड्रा के नाम से प्रदाय किया गया था, जो कि अभी वर्किंग स्टेटस में नहीं है और PHC बंद वर्तमान में PHC सेंड्रा संचालित भी नहीं है। तो CBC का जो भी टेस्ट होना है वो बाकायदा वहाँ से भोपालपट्टनम में हो रहा है। और रही बात टाइफाइड किट की, तो शायद टाइफाइड टीम किट भी उपलब्ध करा दिया गया है और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शुरू से रहा है, वर्तमान में वायरिंग और कुछ इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरेटर भी प्रदाय किया गया है, जनरेटर में कुछ माइनर इशू था जिसको इंजीनियर को बुलाया गया था, तो आज उन्होंने टाइम दिया और आज भी उसका काम भी चल रहा है।